एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानने, दमने राजा दमने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है, एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी।